चलिए रजत, आज भी कम से कम आपको मौका मिला है फाइनल बेट देने का, बिकॉज कोई रन अवे अपसाइड दिखी नहीं मार्केट में जिसकी आप कल शिकायत कर रहे थे। जी बिल्कुल, और आज का जो ट्रेड है पॉजिटिव अप्रोच रखे हैं उस पर बीजीआर एनर्जी, क्योंकि पिछले एक घंटे में वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं और ये मंथली पैटर्न के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्गली एक रिवर्सल शो कर रहा है चार्ट्स पे। तो कहना कि लॉन्ग टर्म चार्ट जो इम्प्रूव होते हुए नजर आए हैं, बहुत बीटन डाउन स्टॉक था, निचले सुर से पलटने की कोशिश कर रहा है। चार हफ्ते बीते, चार हफ्ते भी ठीक नहीं बीते, वहाँ से भी निचले सुर से अब इस हफ्ते एक पुल बैक देखने को मिला। तो उम्मीद है कि अब गोइंग फॉरवर्ड इस स्टॉक में यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा। 130-132 के लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्गली कंसोलिडेट होकर यहाँ पर इसमें खरीदारी बनती हुई नजर आई है। क्वार्टर थ्री नतीजे बेहतर रहे थे, वैन बेसिस पर कंपनी घाटे से मुनाफे में आई थी, ब्याज लागत लगभग 20% वैन बेसिस पर ड्रॉप हुई थी, और जो सरकार का थ्रस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर स्मार्ट सिटीज पर, उसका क्लियर कट बेनिफिशियरी बीजीआर एनर्जी है। तो गोइंग फॉरवर्ड इस पर आप ट्रेड करें, वीकली चार्ट के हिसाब से एक लेवल निकल के आता है 149, वहां तक की अप्रोच शॉर्ट टर्म में दे सकता है, लेकिन अगर मंथली चार्ट से इंप्रूव हो गए तो पोजिशनल तौर पर भी काफी स्ट्रॉन्गली बेट साबित होगी। बिल्कुल, तो बीजीआर एनर्जी पर आप नजर रख सकते हैं यहाँ पर 149 के टारगेट के लिए। आप अभी तो बंद होने में समय है अभी भी 15-18 मिनट का। राकेश, आप कोई बेट ऐड करना चाहेंगे क्या क्लोजिंग के पहले के लिए? डेफिनेटली मेरे, मुझे लगता है आईटी पे नज़र रखनी चाहिए। आईटी में माइंडट्री भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट एक कैश का काउंटर इन्फीबीम मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। इसमें इन्फीबीम के अंदर 1340 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 1470 के लेवल्स के लिए इसको बाय करके चलना चाहिए। एंड मीर एपटेक आज 2% नीचे है, जैसे कहते हैं बाय ऑन डिक्लाइन, तो गिरावट में इसमें खरीदारी करें। मुझे नहीं लगता है कि नीचे में 220 के लेवल्स टूटेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, और मुझे लगता है 275 के लेवल्स इसी फाइनेंशियल ईयर में इसमें देखने को मिल सकते हैं। एक और शेयर भी देख ही लीजिए आप, वो है आर्चीज। ये करीब आज वॉल्यूम में भी ब्रेक मार रहा है और प्राइजेस में भी आप देखिए क्या शानदार चला, 13% ऊपर और वॉल्यूम भी बहुत ज़ोरदार है। आज पहले 10,000 का एवरेज रहता था, आज करीब 13 करोड़ रुपये, 13 करोड़ शेयर के आसपास का इसमें ट्रेड है। एक बार देखेंगे इसका चार्ट कितने ठीक लग रहा है, ये क्या कुछ इसमें आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल, अगर आप डिम्पी देखें तो आर्चीज काफ़ी समय बाद इसमें आज एक प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है। किसी के पास अगर स्टॉक है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। काफ़ी समय बाद इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 25 रुपये के ऊपर, और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अगर ये डिम्पी इन स्तरों पर क्लोजिंग लेने में कामयाब होता है तो क्लोजिंग बेसिस का एक ब्रेकआउट है, तब ऊपर में 28 एंड हाफ के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल शाहिना, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज और L&T फाइनेंशियल सर्विसेज, इन दोनों पर आपका व्यू क्या है? मेरा व्यू पॉजिटिव है। आई थिंक यहाँ पे ऑटो सेक्टर जैसे ऊपर वॉल्यूम्स में आता है, आई थिंक ये दोनों कंपनी जो काफ़ी मतलब रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग हमने देखे इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, लास्ट क्वार्टर, बट आई थिंक ये इम्प्रूवमेंट आ सकता है। एंड इंटरेस्ट रेट्स जैसे घटते हैं, अभी तक तो हुआ नहीं है खास, बट जैसे घटते हैं इनको पास ऑन मिलता है, आई थिंक थिंग्स शुड स्टार्ट पिकिंग अप। तो आई थिंक इन दी ओवरऑल NBFC सेक्टर ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इस बीच आज स्टील पॉलिसी की भी अनाउंसमेंट हो सकती है अगले महीने, ऐसे बयान भी सामने निकल के आए। एक बार राजेश आपसे ये पूछना चाहेंगे कि स्टील कंपनीज पर आपका आउटलुक क्या है? अच्छा चल चुकी हैं और अब पॉलिसी भी इनके लिए बन के तैयार हो रही है, अगले महीने आ जाएगी, अभी और चल सकती हैं क्या ये? जी बिल्कुल चल सकती हैं, इसके कई कारण हैं। एक तो स्टील पॉलिसी जैसे कि आप कह रहे हैं, दूसरा अगर आप देखें तो चाइना में प्रोडक्शन कट की बात हुई है, तीसरे जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट का फोकस है, तो उस हिसाब से वहाँ पे स्टील और सीमेंट की खपत बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों के चलते हमें लगता है कि स्टील में अभी भी बहुत सारा स्कोप बचा है, बावजूद इसके कि कई कंपनियाँ नीचे से अगर लोअर लेवल से देखें तो 40-50% के आसपास बढ़ चुकी हैं। फ्रंट लाइन की बात करूँ, हमें टाटा स्टील और JSW स्टील अच्छा लगता है। सेकेंड रंग में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, छोटी कंपनियाँ, बट उसे मैं थोड़ा अवॉइड करने की सलाह दूंगा। इस वक्त JSW स्टील या टाटा स्टील में रख सकते हैं। इवन एक छोटी कंपनी है जिसे अभी डिफेंस में भी मूव करने की बात कही न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले निकल के, जिंदल स्टेनलेस हिसार, वहाँ पे भी मुझे लगता है कि कुछ अपसाइड बचा हुआ है। इस बीच एक बार ADAG ग्रुप के स्टॉक्स देखते हैं और रिलायंस कैपिटल को देखते हैं। कल एनालिस्ट मीट के बाद काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग की भी बातचीत हुई, हालांकि कल ही एक अच्छा मूव इसने दिया था, लेकिन आज 600 के ऊपर इसने होल्ड किया है कम से कम। शाहिना, रिलायंस कैपिटल पर आपका व्यू क्या है पोस्ट रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंसमेंट?
पॉजिटिव है, जो एक्सपेक्टेशन है कि वो जो अपने पूरे बिजनेस को रिवैम करके मोनेटाइज करेंगे, एसेट्स ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, वो येस्टरडे उनके जो मीटिंग है उसमें वो रिएट्रेट किए हुए हैं कि वो करने वाले हैं। अगर उनके सेगमेंट्स देखें, उनके म्यूचुअल फंड्स हैं और आई थिंक देयर इन्वेस्टमेंट्स, ये दोनों मिला के अगर उनको नेट करें तो आई थिंक स्टिल यहाँ से दो अच्छा ऑलरेडी अपमूव हुआ है, यहाँ से आई स्टिल थिंक देर इज़ अनदर 50-60 रुपया और यहाँ से अपसाइड हो सकता है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होगा बिकॉज इतना अपमूव के बाद आई थिंक देर विल बी सम कंसोलिडेशन, बट आई थिंक ईवी के हिसाब से आई थिंक देर इज स्टिल सम अपसाइड लेफ्ट। ठीक है, लेकिन आज आइडिया टूट रहा है, करीब 3.5% की गिरावट के साथ है ये वापस अपने एक क्रिटिकल जोन के पास पहुंच गया 108 का, बड़े मुश्किल से इसको ऊपर लेके आया था। राकेश, एक बार इसके चार्ट देखिए आइडिया, ये और टूटने वाला है क्या या 100 तक भी आ जाएगा? देखिए डिम्पिक, नीचे में तो 100 रुपीज़ के अराउंड तो स्टॉक का अच्छा सपोर्ट है, मुझे लगता नहीं है कि वहाँ तक आएगा, बट कल के सत्र में इसने एक ब्रेकआउट दिखाया था और ब्रेकआउट के बाद फॉलो बाइंग में आया वो अलग बात है, बट 110 के नीचे निकलना ये अपने आप में ठीक चीज़ नहीं है। किसी ने ले रखा है तो 104 का स्टॉप लॉस लगाए, एल्स नई खरीदारी करनी है तो मेरा ऐसा मानना है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दोबारा से कन्फर्म हो तभी बाइंग करें, एल्स दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं वहाँ फोकस करें। बिल्कुल, इस बीच कुछ और जो हैवी मूवर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। अगर आप निफ्टी मिड कैप के गेनर्स को देखें, इसमें एक तो टाटा एलेक्सा है जो कि 5% ऊपर है, REC 4% ऊपर है, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन 3.5% है, एविएशन स्टॉक्स में इंटरग्लोब ये करीब 3% ऊपर है, गुजरात पीपावाव इस पर अच्छा मूव है, ये करीब 2.5% ऊपर है, और सुजलॉन ये करीब 3.5% ऊपर है। सुजलॉन पर क्या हो रहा है राजेश, कैसा लग रहा है आपको सुजलॉन? देखिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल दे रहा है, बहुत सारी बज़ है मार्केट में और कुछ बड़े निवेशकों ने निवेश किया है, इस तरह की खबरें हैं, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है मैं जोड़ना चाहूँगा, बट ऐसी खबरें बाज़ार में घूम रही है जिस कारण से बाइंग देखी गई है, कई सारे छोटे इन्वेस्टर इसमें मूव कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली मुझे अभी नहीं लगता है कि इसमें ऐसा कुछ है जिसके में बाइंग की जाए। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है आप 16 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और कैरी कर ले पोजीशन को, बट लॉन्ग टर्म के लिए इस वक्त भी मेरी नकारात्मक राय रहेगी। ठीक है, इस बीच कुछ एक और शेयर देखिए, एक बार इन्फोसिस का राकेश आप चार्ट देखिए, ये 1037 पे चल रहा है क्योंकि इनके नंबर्स ना क्वार्टरली सबसे पहले यही देंगे 12-13 तारीख को, इन्फोसिस टीसीएस के नंबर बैक टू बैक है, कुछ पोजीशन अभी से बनना शुरू हो जाएंगी क्योंकि एक्सपायरी में पास आने वाली 30 तारीख की है। इन्फोसिस में आपको बताए पोजिशन बनाई जाए क्या 1000 का स्टॉप लॉस लगा के? बिल्कुल डिम्पी, आपने सही पॉइंट आउट करा, आपने स्टॉप लॉस भी बता दिया है और अगर आप ध्यान दें तो बुधवार को मॉर्निंग में मैंने इन्फोसिस रिकमेंड भी किया था, 1000 रुपये के अराउंड एक अच्छा बेस है और मुझे लगता है नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी को, जैसे आज ITC ने संभाला है, नेक्स्ट वीक निफ्टी को सपोर्ट IT स्टॉक से मिल सकता है और इन्फोसिस में जिस तरीके से स्ट्रक्चर है ऊपर में 1075-1080 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मारुति का भी एक बार आप चार्ट आप ही देखिए क्योंकि 6200 के आसपास से वापस आ गया है, ये 6000 के जब नीचे गया था ना तब चिंता पैदा हो गई थी, अब 6200 वापस आ गया है, इस बार ये ब्रेक कर देगा इस रेंज को आज जैसे इसने इंट्राडे ब्रेक किया है मारुति? देखिए डिम्पी, काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इवन जब नीचे भी स्टॉक गया था तब भी इसमें रुझान हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का बिल्कुल बरकरार था और ऊपर में मुझे लगता है जो लेवल्स आप कह रहे हैं उनको तोड़ने का दमखम ये रखता है। मेरे एक लेकिन एक चीज़ है, जैसे अभी समीर भी कह रहे थे ना कि ऑटो कंपनीज पे वो बुलिश है, उन्होंने कुछ बाय भी किया है, आप किसी भी ऑटो कंपनीज को उठा कर देख लीजिए, वो जो नोटबंदी वाला इफेक्ट था, उनके नंबर्स का इफेक्ट था, उनकी सेल्स का इफेक्ट था, वो दिखा नहीं कहीं भी, वो मार्केट इंतजार ही करते रहा कि वो दिखेगा। लेकिन वो तो दिसंबर के आंकड़ों में भी नहीं दिखा था, अगर आप रिटेल आंकड़े देखते रिटेल लेवल पे इन्वेंट्री के तो वहाँ पर वो ठीक था। आई थिंक एक कंसर्न होगा सिर्फ कि शायद जो Q4 के नंबर्स हैं उसमें उसका स्पिल ओवर दिखा हो, क्योंकि टिपिकली जो पहले की बुकिंग होती है उसमें वो असर ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बट दैट्स जस्ट अ थियरी, आई थिंक देखना होगा Q4 के नंबर्स कैसे आते हैं। लेकिन इस समय एक बार मार्केट को क्विकली देखते हैं, टर्नओवर एक बार देख लेते हैं, आज 9200 के ऊपर निकला था निफ्टी, उसने नया लाइफ टाइम हाई 9200 के पार हिट किया, निफ्टी बैंक ने भी नया हाई हिट किया, स्मॉल कैप मिड कैप में हुआ,
उसके बाद वहां से वापस घुमा, 4,40,000 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला। मार्केट बंद होने में अभी 15 मिनट बाकी हैं और जल्दी से एक बार इंटरनेशनल क्यूज को देखते हैं। जैसे समीर कह भी रहे थे कि इंटरनेशनल क्यूज उन्हें अच्छे दिख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड है, लेकिन कैक 40 जो कि फ्रेंच इंडेक्स है वो करीब 1/4% ऊपर है। और फ्यूचर्स को देख लेते हैं, अमेरिकन मार्केट में इस समय रुझान कैसा देखने को मिल रहा है। तो एक तो डाउ फ्यूचर्स भी फ्लैट है, नैस्डेक भी बिल्कुल फ्लैट रुझान इस समय, लेकिन आज कम से कम रुपए पर हमने थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखी है, कोई बहुत आउट ऑफ रेंज या फिर वाइल्ड मूव देखने को नहीं मिला। हालांकि ट्रैजेक्टरी अभी भी थोड़ी स्ट्रेंथ की ही है, लेकिन आज खुला जिस तर्ज पर था वहाँ से थोड़ा करेक्ट हुआ है, फिसला है 65.56 के आसपास ये समय ट्रेड कर रहा है। अब जल्दी से देख लेते हैं आज की फ्लैट क्लोजिंग में निफ्टी में। देखिए आईटीसी ने तो स्ट्रेंथ होल्ड की, करीब 5% ऊपर आईटीसी ने स्ट्रेंथ दिखाई है। कुछ और काउंटर्स जिस पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है उनको अगर हम देखें, इसमें इंफोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, एचडीएफसी बैंक और आरआईएल, इन पर अच्छा मुझे देखने को मिला। शाइना आरआईएल ऐसा लग रहा है कि इन लेवल्स पे कंसोलिडेट होने के मूड में है, 1300 का लेवल बहुत जल्दी छोड़ नहीं रहा है, यहाँ पर लेना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से लेना चाहिए, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज एक अच्छा स्टॉक है। दूसरी बात, हर एक उनके डिविजन्स में आई थिंक देर इज़ अ गुड मूव, मतलब इम्प्रूवमेंट की अच्छी उम्मीद है। एंड ऑल्सो लास्टली आई थिंक उनके जो कैपेक्स के जो साइकिल है वो अभी स्टेबलाइज होके आई थिंक दैट विल नाउ अगेन सपोर्ट एबिटा मार्जिन्स। सो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट रिलायंस आई थिंक डेफिनेटली एक इन्वेस्टर बाय होता है। ठीक है, इस बीच आप अगले हफ्ते के ट्रिगर्स भी देख पा रहे हैं और मैं जल्दी से आपको ट्रिगर्स के साथ साथ ना कुछ बीटीएसटी कॉल्स भी बता देता हूँ। लवलेश शर्मा की जो रिकमेंडेशन है वो आईटीसी को ही बाय करने की है, ये 290 का टारगेट है, 278 का एक स्टॉप लॉस है, तो लवलेश कह रहे हैं बाय करें। इन्फोसिस जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे 1065, राकेश भी ये कह रहे थे कि ये थोड़ा चल सकता है, लीडरशिप लेगा अगले हफ्ते, इसको भी आप बीटीएसटी करके चले जाइए, 1025 है। राजेश सतपुते कह रहे हैं कि यूपीएल बाय करें, 738 का टारगेट है, 705 का स्टॉप लॉस। टाटा लेक्सी जिसके साथ अभी राकेश जाना भी चाहते थे, हमने एक चॉइस रखी थी इनके सामने जेट की, लेकिन उन्होंने यही चुना, 1570 टारगेट है। नीरव छेड़ा कह रहे हैं कि डाबर बाय करें, आज यहाँ पे एक अच्छा देखा हमने इसके एक प्लांट को, तेजपुर प्लांट में प्रोडक्शन भी शुरू हुआ है, 290 का टारगेट मिल रहा है, 272 का स्टॉप लॉस है, नोट कर दीजिए ये सभी लेवल्स। और एक वोकार्ड फार्मा के अंदर, ये एक साइज सेकेंड रेनिंग खेल सकता है, 780 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर भी एक पोजीशन ले सकते हैं, 725 का एक स्टॉप लॉस रख लें, ये बेहतर कॉल्स हैं, इसमें कोई भी एसटीबीटी नहीं है, सारी बीटीएसटी कॉल्स ही हैं जी। एक बार मार्केट की ब्रेथ देख लेते हैं, जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या 663 के आसपास है, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 900 के आसपास इस समय देखने को मिल रही है, लेकिन कैश में जहां पर स्ट्रेंथ होल्ड हुई है उन स्टॉक्स को एक बार जल्दी से देख लेते हैं और साथ ही उन स्टॉक्स को भी देखते हैं जो कि इस समय 52 वीक हाई पर है। मार्केट भले ही थोड़ा सॉफ्ट हुआ हो, लेकिन जो स्टॉक्स एक तो 52 वीक हाई के जो स्टॉक्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। इसमें देखिए आंध्रा शुगर है, BHEL ने आज हिट किया था, दिल्ली बिल्डकॉन है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने काफ़ी अच्छा मूव दिया, ये करीब 4.5% ऊपर, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये करीब 2% ऊपर, कोल्टे पाटिल HCL टेक इस पर अच्छा मूव, ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर राजेश क्या करना चाहिए? देखिए मेरे जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हमें अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जो मोदी जी का नज़रिया है कि हाउसिंग फॉर ऑल आने वाले 2-3 सालों में 2020 तक, तो वो उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होगी। बट जहाँ तक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 950 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन कैरी की जा सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए जैसा मैंने पहले कहा कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं उसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस और रेपको ज़्यादा उचित लग रहे हैं। मेरे इस बीच अगर आप हफ्ते के आंकड़े देखेंगे ना निफ्टी के, वो भी करीब 2.5% की बढ़त के साथ है, वो तब था जब सोमवार की छुट्टी थी, यानी कि सिर्फ 4 दिन का ट्रेड है जो कि निफ्टी को ओवरऑल परसेंटेज गेन में करीब 2.5% ऊपर रखे हुए है। मेटल इंडेक्स शानदार तरीके से बढ़ा, 2.2% की मजबूती, हालांकि फैक्टर इंडिया से कम चाइना से ज़्यादा दिखे थे, लेकिन फिर भी मेटल इंडेक्स ने काफ़ी मजबूती दिखाई। पावर इंडेक्स करीब 2.5% ऊपर रहा, और इसके अलावा अगर आप कुछ एक और पर्टिकुलर इंडेक्स देखेंगे, फार्मा में थोड़ा सा लीडरशिप बाद में आई है, पहले कमज़ोर रहा, लेकिन FMCG आज की वेटेज जोड़ दी जाए तो सबसे तेज चलने वाला इंडेक्स बना है। और कंजम्पशन स्टोरी GST की जो चर्चा है वो मार्केट पूरी तरह से कहीं ना कहीं इसको भुनाने की कोशिश कर रहा है। बैंकिंग एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत कुछ दे
सकता है। फिलहाल इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क काफ़ी ज़्यादा है, सरकार इसको भी धीरे धीरे कम कर रही है, ये करीब 1.5% हमको देता हुआ देखे। कुछ एक शेयर्स भी हैं जो कि ना केवल अपने 50-week हाई पे पहुंचे जैसे BHL, बल्कि उन्होंने इस बार का रिटर्न भी काफ़ी शानदार दिया, करीब 8% के आसपास का। टाटा स्टील और अदानी पोर्ट जैसे शेयर भी शामिल हुए हैं। राकेश, ये जो सारे शेयर्स आपके स्क्रीन पे समय चल रहे हैं, BHL है, अदानी पोर्ट है, ITC, भेल, कोल इंडिया, इन सभी शेयर्स में कोई पसंद या नापसंद है आपको? देखिए, कोल इंडिया को बाय नहीं करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है नापसंद है, बट टेक्निकल स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं लगता जितना बाकी स्टॉक्स का अच्छा लगता है। बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं सब अच्छे लगते हैं। अदानी पोर्ट्स हमने काफ़ी निचले स्तरों पर अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था और आपके चैनल पर भी रिकमेंड किया था। मौजूदा स्तरों पर इन स्टॉक्स में से मुझे लगता है एकमात्र स्टॉक जो मौजूदा स्तरों पर बाय करना चाहिए वो ITC है। ठीक है, इस बीच एक्सिस बैंक को भी देखिए, करीब 517 के आसपास है ना। एक्सिस बैंक को आप बाय करेंगे क्या बैंकिंग में? मैं सिर्फ दो रीज़न आपके सामने अपनी तरफ से रखना चाहता हूँ। मेरे को मैं इसलिए बाय करना चाहता हूँ क्योंकि 500 के ऊपर एक कंसोलिडेशन हो रहा है इसके अंदर, और मैं शायद इसलिए बाय करना चाहता हूँ कि एक्सिस बैंक में अब खबरें आनी है, वो शायद स्टेक सेल को लेकर हो, कुछ गवर्नमेंट भी एडजस्टमेंट करवाना चाहती है और कई कंपनी इंटरेस्टेड पार्टी भी हैं जो इसके साथ जुड़ना चाहती हैं। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं आपने कहे, टू ऐड टू इट, डेफिनेटली ये टू मेन पॉइंट्स है। टू ऐड टू इट, इसका वैल्यूएशन प्राइस टू बुक इट इज़ लेस देन, इट्स जस्ट अबाउट 1.5 times, इतना स्टॉक बढ़ने के बाद भी आई थिंक देयर दैट इज़ वैल्यू। एंड आई थिंक बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ चुकी है, थर्ड क्वार्टर नंबर्स भी हमने देखे हैं। गोइंग फॉरवर्ड होपफुली एसेट क्वालिटी स्टेबलाइज होगा, सो आई थिंक मोर और लेस सब नेगेटिव्स ये प्राइस में है जी। इस बीच 7 मिनट बाकी हैं मार्केट बंद होने में, एक बार देख लेते हैं फटाफट आज की लिस्टिंग को, एक बार फिर से देख लेते हैं। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, इसकी लिस्टिंग आज हुई थी और इस समय 375 के आसपास ये BSE पर ट्रेड कर रहा है, NSE पर 373 के आसपास, तो फिर भी 12-1% के आसपास का गेन आज रहेगा क्लोजिंग आने तक। अगले हफ्ते डीमार्ट की लिस्टिंग होगी। राजेश, क्विकली डीमार्ट लिस्टिंग अगले हफ्ते क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, जिस तरीके के एप्लीकेशन के आंकड़े हैं उसको देखते हुए तो बहुत ही पॉजिटिव लिस्टिंग की उम्मीद की जा सकती है, बट वहाँ देखना पड़ेगा कि कितनी प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि IPO के जो आंकड़े हैं वो तो बहुत ही शानदार आए थे। लेकिन इस बीच आप कुछ एक और प्लेयर्स देखें जो चल रहे हैं आज मार्केट के अंदर, उसमें एक SCL टेक, ये भी करीब 1% ऊपर है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर, हेवल्स, ये करीब 440 की रेंज को पार कर चुका है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। एक बार आप राकेश, PFC और हेवल्स दोनों को मेरे को बताइए। हेवल्स अब कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया है इसने, अब PFC भी चला है आज, काफ़ी स्ट्रांग चला है। इन दोनों में से एक ही मैं BTST कर सकता हूँ, किसको करूँ, PFC या फिर हेवल्स? देखिए, मुझे लगता है PFC को BTST करना चाहिए, क्योंकि आप देखें तो इस पे से ना सिर्फ PFC चला है, हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक हैं, लो वैल्यूएशन पर चल रहे हैं, PFC और REC दोनों के अंदर ही ब्रेकआउट देखने को मिला है और दोनों को कैरी किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स देखें जो आज रिदम में है, उसमें इंडिगो भी है करीब 3% ऊपर, इसका पीयर जेट ये भी चल रहा है। शायना, एविएशन कंपनीज पे आपको कौन सा शेयर पसंद है? मेरा सबसे टॉप पिक है, आई वुड प्रेफर स्पाइस जेट। वहाँ पर आई थिंक जो डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस जो कम हुए हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये डेफिनेट इम्पैक्ट सभी पॉजिटिव है सभी एयरलाइन कंपनीज को। बट स्पाइस जेट व्हाई आई लाइक इज बेसिकली उनका जो पैसेंजर लोड फैक्टर है, वो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स दिखे हमको वो बहुत ही अच्छा, वन ऑफ द हाइएस्ट इट हैड इन इट्स हिस्ट्री इन द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, एंड आई एक्सपेक्ट दैट टू इम्प्रूव फर्दर। न्यू एयरलाइंस को उन्होंने जो ऑर्डर किया है, आई थिंक वो उनके ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ा के एबिटा मार्जिन्स को इम्प्रूव करेंगे। वैल्यूएशन जस्ट अबाउट 1x EV एंड टर्नओवर टू EV, एंड दूसरी बात इज देयर PE, वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। आई थिंक ये लेवल पे स्पाइसजेट यहां से अच्छा अपमूव दे सकता है, एंड आई पर्सनली होल्ड इट। ठीक है, अच्छा मिहिर, एक चीज़ आज एयरबस ने भी अनाउंसमेंट किया है, वो स्टिमुलेटर लगाना चाहते हैं, 2 से 6 बढ़ा देंगे, रीजनल कनेक्टिविटी भी है। अब एविएशन के काउंटर्स के अंदर एक प्रॉब्लम जो बार बार घिर के आ रही है ना, बहुत चले हुए हैं, क्या यहाँ पे आके थोड़ा सा दिक्कत नहीं होती है? देखिए, हाँ, ये कुछ हद तक हो सकता है, बिकॉज एक तो ये चले हुए हैं और एक वो जो सॉफ्ट क्रूड का बेनिफिट इन्हें मिल रहा था ना, वो करंटली इट इज़ नॉट देयर। क्रूड में जो थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिली है, ऐसा लग नहीं रहा है कि वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा ये करेक्ट हो जाएगा। पर हाँ, ये ज़रूर है कि
प्योरली ऑन परफॉर्मेंस अगर आप देखें या फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाइज अगर आप देखें तो फिर हो सकता है कि उसमें मैं इसलिए बात पूछ रहा था कि वॉरेन बफे खुद कह रहे हैं कि एविएशन में उतरना चाहते हैं. एग्जैक्टली वही मैं दैट्स वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम कि उनका फंडामेंटल व्यू अगर चेंज हो रहा है इस पर एविएशन पूरे स्पेस पर उन्हें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बेट लग रही है तो डेफिनेटली इसमें अभी भी हो सकता है. देखिए क्या है ना इसके साथ ऐसा भी है कि थोड़ा डर जुड़ा हुआ है एविएशन के साथ तो एक हद से ज़्यादा कोई कमिट करना चाहता नहीं है. लेकिन जब आपको पता चलेगा कि नहीं ये अच्छा परफॉर्मेंस जो है इट कैन सस्टेन तो ऑटोमेटिकली थोड़ा और प्रीमियम फिर उनको मिलता है. कह सकते हैं डर के आगे जीत है. डर के आगे जीत बिल्कुल कह सकते हैं. ठीक है डर के आगे जीत है लेकिन मार्केट आपको डरा नहीं रहा. आज के लेवल से आप डरिए मत क्योंकि मार्केट आपको अच्छा रिटर्न दे के आ रहा है हफ्ते भर के और जाते आते आपको हरे निशान में भी बंद कर रहा है तो चिंता मत कीजिए. तीन अंकों की भले बढ़त है लेकिन 9150 कल ऑलमोस्ट यही लेवल से जहाँ पे क्लोज कर गया था तो आज यहाँ पर भी वही क्लोज करने की तैयारी कर रहा है. आज स्मॉल कैप ने थोड़ा सा साथ छोड़ दिया. ये कहें कि आज फ्रंट लाइन में कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होता हुआ दिखा है. फटाफट से बाजार के आंकड़े हीरो जीरो और सभी मार्केट के रिदम देख लेते हैं आज कहां पे चले हैं. बजिंग स्टॉक्स के अंदर आप देखेंगे आज आपको कुछ दिखा होगा कि पावर शेयर्स जो है वो तेज़ी से चले हैं. आज के अलावा ITC ने आज लीडरशिप ली है. ये एक्चुअली पर डे जो लीडरशिप साइक्लिक हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए. इससे ये समझ में आ रहा है कि एक पॉकेट नहीं चला रहा बल्कि पूरा बाजार ही कहीं ना कहीं अच्छे हाथ में आ चुका है जो कि अच्छे लीडर्स हैं अपनी अपनी कंपनी के वो पोजिशंस ले रहे हैं. रूपा एंड कंपनी की कल जब मैनेजमेंट हमारे साथ थी और हमने उनसे टिपिकली यही पूछा था कि आप मार्जिन्स को एंजॉय करेंगे और आपका फोकस एरिया क्या है. उन्होंने कहा हम अच्छे मार्जिन्स को एंजॉय कर रहे हैं और आगे चल के हम अपने बिजनेस को और तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं देखेंगे. आज ये 20% में सर्किट पर लगा था फिलहाल अभी 12% ऊपर है. TRF 16% आरचीज का दिनों के वॉल्यूम ब्रेकआउट प्राइस ब्रेकआउट है आज ये भी चल रहा है. इसके अलावा कुछ एक सेरेमिक कंपनी भी चली है क्योंकि GST की बैठक से पहले दिन उसके बाद तीनों दिन हमने देखते हैं कि GST से जुड़े हुए कुछ ना कुछ प्ले चलते हैं क्योंकि सीजनल चेंज भी हो रहा है. वाडिला इंडस्ट्री जैसी कंपनीज कई दिनों से चल रही है. सिम्फनी भी लास्ट में अभी फिर से दौड़ने लगा है. वोल्टास में भी आप नजर रख सकते हैं. आज ब्लू स्टार के मैनेजमेंट से हमने जब बात की थी तब भी वो यही कह रहे थे कि हाँ यहाँ पे अभी उनको कोई दिक्कत नहीं है. नोटबंदी का इफेक्ट खत्म हुआ है और फायदा मिलेगा. आपको छोटी इंफ्रा कंपनीज में भी मज़ा आ रहा होगा ट्रेड करने में. A2Z इंफ्रा भी आप देखिए ये करीब 7% ऊपर है. आज आप रोज छोटी इंफ्रा कंपनीज देखेंगे ना आपको यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है. माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी आज हमने काफ़ी स्ट्रांग मूव आते हुए देखा है. जो इसके अलावा आज जो देख रहे थे सिगरेट वाली जो कंपनीज हैं गॉडफ्रे फिलिप्स VST ये आप मिस्टर दमानी के भी हिस्सा है जो कि डीमार्ट अभी वो लेके आ रहे हैं तो उससे ठीक पहले VST के अंदर उनकी भी होल्डिंग्स है और ये 6.5% ऊपर आया. कोठारी प्रोडक्ट्स भी करीब 4.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ है. तो आज मार्केट की ब्रेथ भले ये कह नहीं सकते कि ज़्यादा खराब दिख रही है. मार्केट की ब्रेथ ठीक है फिर भी थोड़ा डिक्लाइन वाले शेयर्स ज़्यादा है लेकिन ओवरऑल फिर भी बाजार यहाँ पे ठीक चलता हुआ दिख रहा है. M&M फाइनेंस 5.5% ऊपर. ये डेरिवेटिव्स का शेयर भारत फाइनेंशियल कर्व में है. ताज़ा खरीदारी तो नहीं हो रही लेकिन अभी भी 3% ऊपर है. जेट एयरवेज कर्व से बाहर आया आज चल रहा है. कैपिटल फर्स्ट के अंदर भी 2.5% की बढ़त यहाँ पे आती हुई दिखी है. इसके अलावा आप देखें कुछ एक छोटी रियल एस्टेट कंपनी भी लगातार इस प्लेस के अंदर काफ़ी जो इंटरेस्टिंग बज है वो देखने को मिल रहा है. कोल्टे पार्टी चल रहा था आज पासुनाथ भी चला. गोदरेज इंडस्ट्रीज प्रेस्टीज और रॉयल रियलिटी ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो छोटे मिड कैप रियलिटी शेयर्स के अंदर आते हैं लेकिन वो चले. लेकिन आज बाजार की मिठास भी काफ़ी ज़ोरदार बनी है. असल में इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर बार बार सरकार बयान दे रही है कि अभी नहीं हटाना चाहते. शायद यही बड़ी वजह है कि बार बार हमने देखा है कि आंध्रा शुगर या फिर और शुगर जो शेयर प्लेयर्स हैं वह एक अच्छी बढ़त के साथ चलते हुए दिखे. बाजार आज बंद होने की तैयारी कर रहा है और ऑलमोस्ट हो गया 9150 के ऊपर लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं. मामूली सिर्फ एक अंक नुकसान. वो एक काला टीका जैसा है. आप हफ्ते भर में जब बढ़त दिखाएंगे तो आपको एक काला टीका जरूर लगाना पड़ता है. कल से नीचे क्लोज हुआ है लेकिन हाँ ये जरूर है कि प्रोविजनल है. अभी एक बार हो जाने दीजिए क्लोजिंग. लेकिन मैं इसे भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग मानूंगा कि आप देखिए पूरे हफ्ते एक तो नया हाई हिट हुआ 9200 इसने क्रॉस किया 9000 क्रॉस किया और ये सब करने के बाद भी एंड ऑफ द डे जो वीकली क्लोजिंग है वो तो पॉजिटिव है ही. आज भी फ्राइडे होने के बावजूद और कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल क्यूज नहीं होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरा है यहाँ से. वो चाहे तो थोड़ा बहुत रिस्क ऑफ कर सकता था 9000 के आसपास क्लोज कर सकता था. राकेश क्या कहेंगे क्लोजिंग पर? मीर काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग है. जिस तरीके से आपने ये बोला कि ये नहीं देखना चाहिए कि मीर ऊपर से कितना स्लिप हुआ है. नीचे में एक बेस बना हुआ है और ऐसा नहीं है कि यहाँ से डिप्स नहीं आएंगी. मीर अगर आप देखें तो यूपी नतीजों के बाद मार्केट एकदम गैप अप खुला है और इंट्राडे में डिप्स आ सकती हैं और डिप्स को यूज़ करना चाहिए बाइंग करने के लिए. और इस सप्ताह के लिए देखें तो काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग है.